हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम अपोलोनियस थ्योरम का एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन जानने के पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि क्या हमें याद है अपोलोनियस थ्योरम एग्जैक्टली क्या है। अपोलोनियस थ्योरम जनरली, अगर आपको ट्राइंगल दिया होगा, जैसे इस ट्राइंगल के केस में, अगर आपको एक ट्राइंगल है जिसमें पी एम जैसे एक मीडियन है, ठीक है। अब ये मीडियन ट्रायंगल को है, ऐसे केस में आपका एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एम स्क्वायर। अच्छा, क्यू एम स्क्वायर की जगह पे आप एम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो है आपका अपोलोनियस थ्योरम। अब इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए? एप्लीकेशन के बड़ा सिंपल है। ये सम तो जो दिया हुआ है बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, इतना कुछ इसमें है ही नहीं। तो देखो, पीएम आपका मीडियन है, ये ट्रायंगल है, मीडियन बना हुआ है, तो आपका रिलेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एम स्क्वायर। अच्छा, आपको पी क्यू क्यू आर क्या दिया हुआ है? आपको क्यू आर दिया हुआ है टोटल, ओके। अगर क्यू आर दिया है, एम मिड पॉइंट है, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, 12 दिया टोटल 12। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। पी क्यू क्या उसने 11 का स्क्वायर बोलोगे, पी आर को 17 का स्क्वायर, पी एम निकालना है प्लस 2qm का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 6 स्क्वायर। सो इसका 121, 17 का स्क्वायर 289, 2pm स्क्वायर प्लस 2 × 36, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 410 equal to twice of pm square plus 72। ये क्या हो जाएगा आपका 338 equal to twice of pm square। So therefore pm square is nothing but, ये हो जाएगा 2 ones are 2, 2 sixes are 12, 9s are 18, therefore pm आपका हो जाएगा 30, ठीक है। ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ अपोलोनियस थ्योरम। ऐसे ही और भी एप्लीकेशन आएंगे फ्यूचर और आगे के समय, तो लेट्स वेट फॉर दैट एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।